अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ रीदा गिरेवाल। आज की वीडियो में हम रीज़न ऑफ माउथ फॉग फॉर्मेशन इन विंटर्स को डिस्कस करेंगे। सर्दियों के मौसम में मुंह से भाप निकलना या अपनी सांसों को देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग लगता है, तो हम देखेंगे कि ये माउथ फॉग कैसे बनती है और गर्मियों में क्यों नहीं बनती, इसकी रीज़न को हम आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मेन टॉपिक पर आने से पहले हम कुछ चीज़ों को डिस्कस करेंगे। वाटर जो है थ्री फॉर्म में होता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। गैस मतलब जब वाटर वाटर वेपर की फॉर्म में होता है। वाटर वेपर क्या होते हैं, हवा के साथ मिक्स हो जाते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास हॉट एयर ज़्यादा वाटर वेपर को अपने साथ होल्ड करके रख सकती है एज़ कम्पेयर टू कोल्ड एयर। तो जैसे जैसे टेम्परेचर कम होता है तो हवा की कैपेसिटी कम होती है वाटर वेपर को होल्ड करने की। नेक्स्ट एक और रीज़न है कि कोल्ड एयर इज़ मोर डेंस, सो इट डज़ नॉट हैव एज मच रूम फॉर वाटर वेपर एज वार्म एयर डज। कि कोल्ड एयर मोर डेंस होती है, मतलब कोल्ड एयर के ज़्यादा मॉलिक्यूल्स होते हैं तो इनके पास इतनी इनकी कैपेसिटी नहीं होती कि वाटर वेपर को होल्ड कर सकें। दिस इज़ वाई वार्म एयर कैन होल्ड मोर मॉइस्चर देन कोल्ड एयर। इसी चीज़ को जब हम फिक्स टेम्परेचर पर कैलकुलेट करते हैं कि कितना परसेंटेज वाटर वेपर का एयर में प्रेजेंट है, तो इसे हम रिलेटिव ह्यूमिडिटी कहते हैं। तो इस सबसे हमें ये तो क्लियर हो गया कि हॉट एयर ज़्यादा वाटर वेपर को अपने साथ होल्ड करके रख सकती है, लेकिन ये कैसे ज़्यादा वाटर वेपर को होल्ड करती है ये हम देखते हैं। गैस के मॉलिक्यूल्स के पास ज़्यादा एनर्जी होती है, हाई एनर्जी होती है, ताकि वो फ्रीली मूव कर सकें। इसलिए अगर वाटर को वेपर फेस में रहना है तो इसके पास भी ज़्यादा एनर्जी होनी चाहिए ताकि वो फ्रीली मूव कर सकें। इसलिए गर्म हवा जो होती है ज़्यादा वाटर वेपर को होल्ड करके रख सकती है। नाउ कम टू मेन पॉइंट कि सर्दियों में हमारे मुंह से फॉग कैसे निकलती है। तो देखें कि आउटसाइड ऑफ बॉडी टेम्परेचर जो भी हो, लेकिन हमारी बॉडी का टेम्परेचर जो होता है इनसाइड वो कांस्टेंट रहता है। इनसाइड टेम्परेचर ऑफ बॉडी जो होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस है। इसका मतलब है कि अगर हमारी बॉडी में हवा प्रेजेंट है, चाहे वो लंग्स में हो, मुँह में हो, गले में हो, तो वो गर्म होती है। मतलब वाटर वेपर की अमाउंट भी ज़्यादा है। और सर्दियों में जब बाहर का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा लो होता है और हम इनहेल और एक्सहेल करते हैं, तो CO2 के साथ साथ वाटर वेपर भी निकलते हैं। जब हम इनहेल करते हैं तो ऑक्सीजन को इनटेक करते हैं, जब एक्सहेल करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ करते हैं। तो इनसाइड बॉडी तो वाटर वेपर हाई एनर्जी में होते हैं, लेकिन जैसे ही बाहर आते हैं इनकी एनर्जी कम हो जाती है, टेम्परेचर कम हो जाता है, जिसकी वजह से इनकी मूवमेंट स्लो हो जाती है और वो कंडेंस होना शुरू हो जाते हैं, मतलब इकट्ठे होना शुरू हो जाते हैं, और वो वेपर फॉर्म से लिक्विड वाटर में कन्वर्ट हो जाते हैं और हमें फॉग की शक्ल में नज़र आते हैं। इसे हम माउथ फॉग कहते हैं।